नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर एंड तरुण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में जाना है जुताई के बारे में और उसमें उपयोग में आने वाले उपकरणों के बारे में। इस बार हम एक अलग उपकरण के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्क प्लाउ। वैसे तो इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें डिस्क का उपयोग किया जाता है और ज़्यादातर डिस्क प्लाउ का उपयोग तब किया जाता है जब आपके खेत में पुरानी फसलों के अवशेष काफ़ी रह गए हों। तो आइए जानते हैं। नमस्ते किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिस्क प्लाउ के बारे में। इसकी बनावट कैसी है, खेत में इसकी क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है और इसके फायदे क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिस्क प्लाउ की फ्रेम काफ़ी मजबूत होती है और इसी मजबूत फ्रेम पर लगी होती है डिस्क। यही डिस्क मिट्टी को अच्छे तरीके से तोड़ती है और साथ साथ पलट भी देती है और इसी डिस्क के कारण इसे कहा जाता है डिस्क प्लाउ। इन डिस्क के पीछे लगा होता है एक गाइड व्हील। ये गाइड व्हील डिस्क प्लाउ को सीधी लाइन में चलाने में मदद करता है। इस पर लगे हुए रिवर्सिबल आर्म और हाइड्रोलिक सिलेंडर की मदद से ड्राइवर आसानी से डिस्क की दिशा को बदल सकता है, यानी रिवर्सिबल प्लाउ की तरह भी डिस्क प्लाउ का इस्तेमाल करके समय की बचत कर सकता है। इन डिस्क और गाइड व्हील पर लगा होता है स्क्रैपर। ये स्क्रैपर इन पर चिपकी हुई मिट्टी को आसानी से निकाल देता है। आइए अब जानते हैं डिस्क प्लाउ की सेटिंग्स के बारे में, जैसे कि टिल्ट एंगल, डिस्क एंगल, गाइड व्हील की सेटिंग, जो आप अलग अलग मिट्टी के प्रकार के हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिस्क प्लाउ की डिस्क जमीन से खड़ी दिशा में सीधी न होकर थोड़ी तिरछी होती है और इसी एंगल को डिस्क का टिल्ट एंगल कहा जाता है। टिल्ट एंगल जितना कम होगा उतनी ज़्यादा प्लाउ की गहराई मिलेगी और ज़्यादातर प्लाउ में टिल्ट एंगल हमेशा फिक्स रहता है। दूसरी सेटिंग होती है डिस्क एंगल की। डिस्क एंगल यानी ट्रैक्टर की सीधी दिशा में बना हुआ डिस्क का एंगल। इसे आप मिट्टी के प्रकार के हिसाब से सेट कर सकते हो। साधारण मिट्टी के लिए इसे आप 48 डिग्री, अगर मिट्टी कठोर है तो इसे आप 52 डिग्री पर सेट कर सकते हो। तीसरी और सबसे ज़रूरी सेटिंग है गाइड व्हील की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गाइड व्हील प्लाउ को सीधी दिशा में चलाने में मदद करता है। अगर आपका ट्रैक्टर प्लाउ चलाते समय एक साइड में खींच रहा है तो इस सेटिंग को करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर गाइड व्हील को डिस्क से आधा इंच नीचे रखा जाता है। अगर मिट्टी नरम है तो इसे आप आधा इंच से थोड़ा सा कम, अगर मिट्टी कठोर है तो इसे आप आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हो। इसी तरह आप गाइड व्हील की एंगल को भी सेट कर सकते हो। नरम मिट्टी में इसे आप कम और कठोर मिट्टी में इस एंगल को आप ज़्यादा रख सकते हो। अब जानते हैं डिस्क प्लाउ का इस्तेमाल आप किस प्रकार की ज़मीन में कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या है। डिस्क प्लाउ का इस्तेमाल आप हर प्रकार के ज़मीन में कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ज़मीन जहां पर पत्थर या घास या पिछले फसल के अवशेष बहुत ज़्यादा मात्रा में है वहां पर डिस्क प्लाउ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसकी भारी और सेल्फ शार्पनिंग एज वाली डिस्क खूंटियों को उखाड़ती है, काटती है और मिट्टी में अच्छे तरीके से मिक्स भी करती है। प्लोइंग के लिए डिस्क प्लाउ का इस्तेमाल करने से मिट्टी अच्छे तरीके से बारीक होती है, यानी मिट्टी के बड़े बड़े ढेले नहीं बनते और साथ ही साथ ये खेत को अच्छी तरीके से लेवल भी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेकेंडरी टिलेज के दौरान रोटरी टिलर को दो बार चलाने के बजाय एक ही बार चलाने से खेत अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है, यानी आपके समय और डीजल की बचत भी होती है। तो देखा दोस्तों, कैसे डिस्क प्लाउ की मदद से आप जुताई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए ट्रैक्टर एंड तरुण।